नमस्कार। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अमरीकी इलेक्शन कौन जीत रहा है, या सच पूछे तो लग क्या रहा है, कौन जीतने के कगार पर है, क्यों सब लोगों को लग रहा है कि बाइडेन इलेक्शन जीत रहा है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पर एक दो मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि अमरीकी इलेक्शन में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पॉपुलर वोट क्या है, ये इलेक्टोरल वोट क्या है, ये कैसे हो सकता है कि हिलरी क्लिंटन पॉपुलर वोट जीत गई थी पर ट्रंप चुनाव जीत गया था। देखिए, ये वही चीज है जैसे कि भारत में कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको 90% वोट मिले या 50% वोट मिले या 40 भी मिल सकते हैं आपको, आप फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत जाते हैं, उसका मतलब है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके खाते में आ गई। उसी तरह अमरीकी चुनाव में स्टेट्स को जीतना पड़ता है, आपको टेक्सस को जीतना है, कैलिफोर्निया को जीतना है, मिसिसिपी को जीतना है, और किसी भी स्टेट को अगर आप जीतेंगे, आप 90% वोट के साथ जीते हैं या 50% वोट के साथ जीते हैं, उसका कोई मायने नहीं है। उस स्टेट में जितने भी इलेक्टोरल वोट्स हैं वो आप ही के खाते में जाएंगे, और जिन स्टेट्स की आबादी बहुत ज्यादा है जैसे कि कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क या टेक्सस, तो उनके काफी ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स होते हैं जैसे कि भारत में उत्तर प्रदेश में, और अगर छोटा सा स्टेट है तो उनके कम इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। तो ये रही अमेरिकी चुनाव की कुछ बात। दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, अमेरिका में क्या स्थिति है कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जो चुनाव में एक तरह से मायने ही नहीं रखते हैं, क्योंकि पहले से सुनिश्चित है कि उस स्टेट के इलेक्टोरल वोट्स किसके खाते में जाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी पकड़ वहां है। तो अगर आप बाइडेन को देखें तो वॉशिंगटन डीसी हो या मैसाचुसेट्स हो या कैलिफोर्निया हो या न्यूयॉर्क हो या मैरीलैंड हो या वॉशिंगटन स्टेट हो या कनेक्टिकट हो या इलिनॉय हो, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो अभी से 99% लोग कह सकते हैं कि 100% यहाँ के या 99% यहाँ के इलेक्ट्रल कॉलेज के वोट्स बाइडेन को ही जाएंगे। करीब 212 ऐसे हैं इलेक्ट्रल कॉलेज वोट जो अभी से निश्चित हैं कि वो बाइडेन को जाएंगे, और याद रखिए हाफ वे मार्क 270 है, 270 आपको पहुंचना है। ट्रंप के खाते में भी कई स्टेट्स हैं जैसे कि वायोमिंग है या वेस्ट वर्जीनिया है, ओक्लाहोमा, नॉर्थ डकोटा, अलबामा, आर्कनसा, टेनेसी, यूटा, लुइजियाना, मिसिसिपी, इंडियाना, कैंसस, मिसूरी, कई ऐसे राज्य हैं जो 99% ट्रंप के ही खाते में जाएंगे। तो सारा का सारा जो चुनाव है, सारा का सारा जो संघर्ष है, वो कुछ राज्यों पर सीमित हो जाता है जिनको लोग बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहते हैं। अब अगर आप बैटल ग्राउंड स्टेट्स को देखें, पिछली बार क्या हुआ, 2016 में क्या हुआ, कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि मिनेसोटा, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, लोग समझ रहे थे कि इन राज्यों को हिलरी क्लिंटन जीतेंगे, पर बाजी पलट गई, ट्रंप इन राज्यों को जीत गए, इसलिए वो राष्ट्रपति बन गए। अब क्या स्थिति है कि अगर आप पोल्स को देखेंगे तो इन चारों राज्यों में बाइडेन करीब 7-8% से आगे हैं, और इसके अलावा फ्लोरिडा जैसे राज्य में, एरिजोना में, नॉर्थ कैरोलिना में, यहां तक कि ओहायो में भी कुछ पोल्स कह रहे हैं कि बाइडेन आगे। तो अगर ऐसा होता है, और कुछ ऐसे राज्य जैसे कि मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन की मैंने बात करी, यहां तो वो 8-9% से आगे हैं अभी के जो पोल चल रहे हैं, तो मुश्किल लग रहा है कि 20 दिन में बाजी पलट सकती है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उसका मतलब है पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, इन सब में से एक भी राज्य अगर बाइडेन जीत जाते हैं तो वो अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। और इसीलिए आप किसी भी एनालिसिस को देखें, आप सत्ता बाजार को देखें, किसी को भी देखें, तो लोग कह रहे हैं कि करीब 90% चांस है, 85 से 90% का चांस है कि बाइडेन ही अगले राष्ट्रपति बनेंगे। पर अभी अगर मैं पूरे दावे के साथ नहीं कह रहा हूं कि बाइडेन ही जीतेंगे, 5 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते या पहले मुझसे पूछते, मैं तो कहता भाई सुनिश्चित है बाइडेन ही जीतने वाले हैं, पर सबके मन में 2016 की बात अभी भी टिकी हुई है। 2016 में इसी दिन अगर आप मुझसे पूछते, मैं आपको कह रहा था कि भाई ट्रंप के जीतने के कोई चांस नहीं है, हिलरी क्लिंटन ही जीतने वाली है, और हम सब जानते हैं कि 2016 में क्या हुआ। इसलिए मैं अभी भी कहूंगा ट्रंप के पास 15% भी अगर चांस है जीतने का, 15% चांस तो है ही, कोरोना वायरस भी सिर्फ 2% लोगों को मारता है, फिर भी हम इतना डरते हैं कोरोना वायरस से, इसलिए ट्रंप के पास अगर 15% चांस है, वो 15% है अभी उनके पास, इसलिए हमको अभी भी देखना पड़ेगा अगले 10 दिन 15 दिन 20 दिन। पर यह बात भी सही है कि जैसे चुनाव करीब होते जाएंगे और बाइडेन की लीड अगर इतनी ही बनी रहे तो मुश्किल है समझना कि ट्रंप कैसे वापस चुनाव में आ सकते हैं,
पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है, पर अभी फिलहाल लग रहा है कि बाइडेन ही जीतने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। संसद में 33% आरक्षण का बिल भले ही लटक गया हो, लेकिन देश के एक राज्य में महिलाओं को कम से कम सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब सरकार ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही राज्य सरकार ने पंजाब सिविल सेवा रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर विमेन नियम 2020 को मंजूरी दे दी, ताकि पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके। नए कृषि कानूनों को लेकर बुधवार को दिल्ली में हुई कृषि मंत्रालय के अधिकारियों और किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा रही। असंतुष्ट किसान नेता बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आए और गेट पर उनका इंतजार कर रही मीडिया के सामने उन्होंने कानून की कॉपियों को फाड़ दिया। किसान नेता बोले कि उनकी मांग थी कि बैठक में मंत्री खुद मौजूद रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि इन काले कानूनों के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इनको वापस नहीं ले लेती। आपको बता दें कि विवाद का हल निकालने के लिए 29 किसान संगठनों के नेता और कृषि मंत्रालय के अधिकारी साथ बैठे थे। हमें जहां बुलाकर कोई सरकारी नेता बात नहीं कर रहा। हमने सेक्रेटरी साहब को पहले बोला था, जब कोई पॉलिटिकल बीजेपी का मंत्री वहां बात करेगा, खेती बाड़ी मंत्री या सीपीएम के ऑफिस का मंत्री, तब बात करेंगे। जब जहां आए तो कोई मंत्री कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था, सिर्फ सेक्रेटरी साहब सीगे। हम उनको बाइकट करके वापस आ गए। तेलंगाना में हो रही जोरदार बारिश ने अब विकराल रूप ले लिया है। पूरा हैदराबाद तकरीबन डूब चुका है। इसी बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक शख्स पानी के तेज बहाव में बहता दिख रहा है। पानी की धार इतनी तेज है कि किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटाई। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा भी हैदराबाद में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं, जिसमें कहीं बाइक तो कहीं गाड़ियां पानी के बहाव के साथ बहती दिख रही हैं। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं, तो कहीं तेज हवा और तूफान के कारण बिजली की सप्लाई प्रभावित हो गई। हैदराबाद और तेलंगाना में भारी बारिश का कहर जारी है। राज्य में अब तक बारिश और बाढ़ जैसे हालात की वजह से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को हैदराबाद में 24 घंटे के दौरान करीब 192 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये बीते 117 सालों में यहाँ एक दिन में दर्ज की गई सबसे ज्यादा बारिश है। अक्टूबर महीने में इससे पहले इतनी बारिश यहाँ साल 1903 में दर्ज की गई थी। आफत बनकर टूटी बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। खासकर पुराने हैदराबाद और दूसरे निचले इलाकों का हाल ज्यादा खराब है। गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई हैं और तैरती हुई तक नजर आ रही हैं। आलम यह है कि आवाजाही ठप होने की वजह से लोग कश्ती बनाकर जरूरी साजो सामान जुटा रहे हैं। पुलिस दल और एनडीआरएफ की टीमें तालाब में तब्दील हुए इन इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हैं। वहीं प्रशासन और पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। हाथरस में दलित लड़की से गैंगरेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल हुई है। इस जनहित याचिका में पीड़िता की मौत से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराने की गुहार लगाई गई है। यानी इस केस से जुड़े सभी पुलिस वाले, मेडिकल स्टाफ और दूसरे सरकारी अधिकारी इस एक्ट की जद में आ सकते हैं। इसके साथ ही इस PIL में एक स्पेशल टास्क फोर्स के गठन की भी मांग की गई है। इस केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट और अंतिम संस्कार के तरीके पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले ही दो मामले चल रहे हैं। यूपी के हाथरस का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब चित्रकूट में एक नाबालिग दलित युवती ने आत्महत्या कर ली है। इस लड़की ने गांव के 3 लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिनमें से एक गांव के प्रधान का बेटा है। जानकारी के मुताबिक लड़की ने 8 अक्टूबर को अपने साथ ये घटना होने की बात कही थी और 13 अक्टूबर को उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव के लोगों ने बताया कि पीड़िता पुलिस की तरफ से कार्रवाई न होने से नाराज थी। इससे अलग पुलिस का कहना है कि इन तीनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के साथ दुष्कर्म की बात सामने नहीं आई है। साथ ही पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिजनों की तरफ से भी उन्हें कोई शिकायत नहीं दी गई है। इधर मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है और अलग अलग पार्टियों के नेताओं के आने से गाँव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। समलैंगिक विवाह को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। ये दोनों नोटिस अलग अलग याचिकाओं पर जारी किए गए। इन याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत समलैंगिक लोगों के बीच शादियों को कानूनी मान्यता देने की गुहार लगाई गई है।
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सालों पुरानी रुकावटों को अब खत्म करना होगा। ये कोई आम याचिका नहीं है, ये देश के हर नागरिक के अधिकार के लिए है। इस मामले की अगली सुनवाई अब अगले साल 8 जनवरी को होगी। अगले हफ्ते शुरू होने वाले दुर्गा पूजा समारोहों से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया है। ममता ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण अब कम्युनिटी स्तर पर फैल चुका है। उन्होंने बताया कि ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनसे पता लगता है कि कोरोना अब हवा के जरिए भी फैल रहा है। ममता ने कहा कि मैं जानती हूं कि अभी दुर्गा पूजा का समय है, इसीलिए लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन आप सबसे अनुरोध करूंगी कि खरीदारी के लिए बाहर ना निकलें। पूजा के लिए जब भी पंडाल में जाएं तो मास्क जरूर पहने। दूसरी ओर ममता ने ये भी ऐलान किया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट करवाने का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की कीमत 2250 रुपए से घटाकर 1500 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही एम्बुलेंस शुल्क को भी कम किया जाएगा। बिहार चुनाव में महागठबंधन और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने अपना पर्चा वैशाली के राघोपुर सीट से भरा है। नामांकन पत्र भरने के लिए रवाना होने से पहले तेजस्वी ने मां राबड़ी देवी के पैर छुए। इस दौरान राबड़ी के हाथ में लालू यादव की तस्वीर भी दिखी। उन्होंने अपने बड़े भाई और समस्तीपुर के हसनपुर सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव से भी आशीर्वाद लिया। नामांकन के लिए जाते हुए तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने बिहार के हित में सदा कार्य करने की सौगंध ली है और करता रहूंगा। परिवर्तन के इस शंखनाद में आपके स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर कहा कि हमारी सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में ही 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी पर मुहर लगेगी। हमने जो वादा किया है कि 10 लाख रोजगार, पहले कैबिनेट में पहला अगर कोई काम हम करेंगे तो 10 लाख रोजगार लोगों को, बेरोजगार नौजवान भाइयों को हम लोग स्थायी नौकरी, सरकारी नौकरी दिया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संकेत दिए हैं कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो सीएम उम्मीदवार बन सकती हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रियंका ने इस तरह के संकेत दिए। दरअसल प्रियंका को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था और वो इस वक्त साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लगी हुई हैं। पिछले एक अरसे से वो सूबे की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती भी दिख रही हैं। अक्टूबर महीने के हर बीतते दिन के साथ दिल्ली एनसीआर की हवा और भी ज्यादा प्रदूषित हो रही है। मंगलवार के बाद बुधवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 अंक के पार रहा और आसमान में धुंध छाई रही। बुधवार सुबह लिए गए हवा के नमूनों के मुताबिक पटपड़गंज इलाके का AQI 376 दर्ज किया गया तो वहीं द्वारका में यह 319 पर था। एनसीआर में नोएडा का हाल काफी बेहाल नजर आया, जहां सेक्टर 116 में वायु गुणवत्ता सूचकांक 665 रिकॉर्ड किया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पराली जलाना इस समस्या के पीछे एक मुख्य कारण है और बीते सोमवार तक पराली जलाने के करीब 600 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बीते 3 सालों में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। साल 2018-19 में इनकी संख्या 300 के आसपास ही रिकॉर्ड की गई थी। ये IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का दफ्तर वगैरह नहीं है, ये घर है तमिलनाडु के अरंगपुर गांव के गोपी कृष्णन का। दरअसल गोपी धोनी और CSK के जबरा फैन है। दीवानगी ऐसी है कि इन्होंने पूरे घर को ही CSK के रंग से रंग दिया है। दीवार पर धोनी की तस्वीर भी बनवाई है तो विसल पोडू वाला टीम का नारा भी लिखवाया है। गोपी ने अपने घर का नाम रखा है हाउस ऑफ धोनी फैन। धोनी के फैन का ये घर लोगों के बीच काफी हिट है। हालांकि इस साल IPL में अब तक चेन्नई सुपर किंग्स कुछ खास नहीं कर पाई है। धोनी का बल्ला भी शांत ही नजर आया है, लेकिन जबरा फैंस पर इसका असर नहीं पड़ता। मैं हूं धोनी साहब की बहुत बड़ा फैन हूं, उसकी वजह से ये सब मैं किया हूं घर पे। और ये आज की सिचुएशन पे धोनी साहब के नाम पे बहुत सारे कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स आ रही है, ये मेरे को बहुत दुख लगा। उसको बैड कमांडर्स को, सबका जो बैड कमांड्स को पॉजिटिव कमांड्स में लेके आने के लिए ये सब मैंने किया है।